वेलकम गाइज एंड इस एपिसोड मतलब इस वीडियो में जितने भी एपिसोड होंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत डिटेल में. सो यार वीडियो लास्ट तक देखना एंड स्किप बिल्कुल भी मत करना. ओके सो आपको समझ नहीं आएगा फिर आप बोलोगे कमेंट्स में कि भाई समझ में नहीं आई तूने एक्सप्लेन ठीक से नहीं की. ओके सो आपके कहने पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. लेट स्टार्ट द वीडियो. जब से वो वुडन की चोरी होती है तो पूरे होजुकी कैसल में हंगामा मचा होता है. बेंगा सबको कहता है कि लॉकडाउन लगा दो, किसी को भी बाहर मत जाने दो. और फिर हम देखते हैं कि जो होजुकी कैसल के जो मेन डोर्स होते हैं वो सारे बंद किए जाते हैं जब तक वो चाबी मिल नहीं जाती. और सारे प्रिजनर्स को चेक किया जाता है कि किसके पास वो वुडन की है. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाल बालों वाला अराई कहता है कि क्या ये सच में इम्पॉसिबल है कि कोई चोरी कर सकता है इस वुडन की को. निर्मित्सुकी कहता है ज़रूर कर सकता है. एंड जब बोरुटो को हॉस्पिटल में लेके गए थे तभी ये चाबी चोरी हुई है. अराई कहता है सही कह रहे हो तुम मित्सुकी. देन बोरुटो कहता है कि अगर सही शब्दों में कहा जाए तो जिसने वुडन की चुराई है उसने ही काकुरी पर अटैक किया था. बट कमाटा होता है वो काकुरी पर शक्स करने लगता है. उसके बाद वो कहता है कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम सुकियो को एक साथ काम नहीं करते. देन बोरुटो से बचाते हुए कहता है कि नहीं कोकुरी अच्छा बंदा है. एंड कोकुरी कहता है कि हाँ बोरुटो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है. ऐसा कहने के बाद अराई कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो. कोकुरी कहता है ये बोरुटो और मित्सुकी मेरे दोस्त है, हमने अभी दोस्ती की. अराई कहता है तुम बेवजह कोकुरी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो बोरुटो. देन सबको बेंगा की आवाज़ आती है. कोकुरी रोने लगता है. बेंगा कहते हैं कि कहाँ से सर्च की स्टार्ट की जाए, चलो जल्दी से ढूंढो किसके पास वुडन की है. देन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स होता है वहाँ पर जो बिल्डिंग वन है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है जो चेकिंग होती है. उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोरुटो की सेल में के जो सारे लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. बोरुटो का एक प्लान आता है. वो कहता है कि चेकिंग होने से पहले हम खुद ही हमारे रूम को मतलब सेल को चेक कर लेते हैं, मतलब डाउट ही नहीं रहेगा. फिर हम देखते हैं कि जो अराई होता है वो कहता है कि इस लड़की के साथ मत रहना. फिर हम देखते हैं कि ये कहता है कि हे अराई मेरे बारे में कुछ भी मत कहो, मैं मेरा बेड तुम्हें चेक करने नहीं दूंगा, यहाँ पर मेरे सीक्रेट्स हैं. बोरुटो कहता है चेक करने दो पर वो नहीं सुनता. तो अराई कहता है तुम हमारे अगेंस्ट क्यों हो, चेक करने दो. अराई को कमाटा गलत शब्द भी कह देता है. उसके बाद अराई को गुस्सा आता है. कमाटा ये भी कहता है कि जब कोकुरी पर अटैक हुआ था तब तुम हमारे साथ नहीं थे, तुम वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर कोकुरी को रखा गया था. मैं तुम्हें देख रहा था कि जब तुम आगे जा रहे थे, मेरी नज़रें सब पर होती है. ये सुनकर अराई कहता है चुप बैठ जाओ, तुम्हें समझता नहीं है कुछ. उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी उसे रोकते हुए कहता है अराई सच कहानी बताओ क्या है. देन अराई कहता है कि अरे मैं मेडिकल वार्ड में नहीं गया था, मेरा एक आदमी था जो मुझे जिसे पैसे देने थे. देन वो सब पूछता है कि क्यों पैसे क्यों देने थे. सो पूछता है कि अरे यार मुझे उसने चॉकलेट लाई थी इसलिए उसे पैसे देने थे. अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो ये देखो यहाँ पर है मेरी चॉकलेट्स, एंड हाँ किसी को चाहिए होगी तो ले लो. कोकुरी कहता है कि मुझे चाहिए, सच में दे रहे हो क्या. अराई ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए ये नहीं बताया क्योंकि मैं चॉकलेट खाता हूँ और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो तुम मुझ पर मतलब मुझे शर्म आएगी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया. कड़ामा कहता है कि बेंगा आ रहा है. हम देखते हैं कि बेंगा बोरुटो के रूम चेक करने आ रहा था क्योंकि अगला रूम उसी का ही होता है. इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सुकियो को जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर सारादा जाती है उससे कुछ सवाल जवाब करने. वो कहती है यू आर सुकियो द सेकंड इन द कमांड ऑफ द मुजीना गैंग राइट. देन सुकियो वहाँ से जवाब देता है कि हाँ बट तुम एक रिपोर्टर बनने की कोशिश क्यों कर रही हो जाकि तुम एक रिपोर्टर हो भी नहीं, तुम एक निंजा हो. सारादा को ये बात समझ नहीं आती कि इसे कैसे पता चला कि वो रिपोर्टर बनने की एक्टिंग कर रही है. वेल छोड़ो, अगले सीन में हम देखते हैं कि अब बोरुटो का लॉकअप आ जाता है जहाँ पर बेंगा चेकिंग करने के लिए आता है. एंड हम देखते हैं कि उससे पहले बोरुटो कमाडा की जो बेड है उसे चेक करना चाहता था बट बोरुटो को कमाडा पकड़ लेता है. बट हम देखते हैं कोकुरी ऊपर जाता है एंड कमाडा के जो बेड होता है उसके चादर ओढ़ने लगता है बट वो कड़ामा की चादर होती है. एंड हम देखते हैं कि जब कड़ामा कहता है मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाओ तो जब उसकी चादर नीचे गिरती है तो चादर में से वो वुडन की निकलती है. वो वुडन की देखकर मित्सुकी कहता है ये तो वही वुडन की है जो चोरी हुई थी. एंड हाँ मतलब इसका मतलब ऑब्वियस है कि जिसने वुडन की चोरी की थी उसी ने ही कोकुरी को पर अटैक किया था. अराई जल्दी से कहता है कदामा इज द असैसिन, इसने ही अटैक किया था, यही गुनहगार है. ये सुनकर बाकी सब भी डर जाते हैं. वो कहता है कि मुझे तो पहले से पता चल गया था, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ये वैसा का वैसा है. कड़ामा एक शब्द भी नहीं बोलता, वो शांत बैठा होता है. उसके बाद हम देखते हैं कि अराई उसके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रही रहा होता है. वो ये भी कहता है कि इसे मुजीना गैंग के बारे में बहुत पता होगा क्योंकि ये उसका मेंबर भी लगता है एंड ये ऑब्वियस है कि उसको सारा बात मालूम होगी. फिर हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है कि तुम्हें उसकी असली आइडेंटिटी कैसे मालूम, उस तुम्हें कैसे पता कि मुजीना गैंग का है. एंड वेल तुम्हें मुजीना गैंग के बारे में पता ही कैसे चला, क्योंकि अरे ऐसी बातें भी कह देता है जो इसे यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होती. अब अराई की सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है.
मित्सुकी कहता है कि मैं भी जब हम आके देख रहे थे तो उसने कड़ामा के ब्लैंकेट पर वो वुडन की डाल दी होगी। फिर हम देखते हैं कि जब अगले सीन में जब सबको पता चल जाता है तो आराई कहता है नहीं बोरुटो मैंने ऐसा नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। एंड हम देखते हैं कि वो गुस्से में आता है एंड काकुरी पर अटैक करने वाला होता है, तो कड़ामा बीच में आता है और उसे पंच मार देता है और नीचे गिरा देता है एंड उसे सब पकड़ लेते हैं। मित्सुकी कहता है हमसे पंगा ना लेना क्योंकि जिस स्कूल में तुम प्रिंसिपल थे ना वो स्कूल हमारा था। मजा आया। अब ये सारा सीन बेंगा के सामने होता है इसलिए बेंगा को अराई को पकड़ के ले जाना पड़ता है, बट बेंगा कहता है डैम इट ये क्या हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सारे गेट्स होते हैं लॉकडाउन वगैरह सब खुल जाता है। मित्सुकी कहता है जो सुकियो का जो वार्ड है वहाँ पर भी जरा ध्यान से ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि कड़ामा को मित्सुकी थैंक यू कहता है जब उसने पंच मारा था अराई को। टमाटा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुजीना गैंग के मेंबर हो कोकुरी। बेंगा यह सारी हरकत लॉर्ड मुजो को बताता है। वो कहता है कि मास्टर क्या आपको बोरुटो एंड कोकुरी के बारे में कुछ पता है? वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं पता, वो प्रिजनर से और शायद वो गलती से दोस्त बन गए होंगे। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। मित्सुकी कहता है बोरुटो को कि बोरुटो हमें काकुरी पर थोड़ा सा आँख रखनी होगी। देन वो कोकुरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कोकुरी जो तुमने पैसा चुराया था मुजीना गैंग से वो कहाँ पर है? देन कोकुरी कहता है कि वो पैसे मैंने एक सेफ जगह पर छुपा के रखे हैं। देन कमाटा आता है और कहता है कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हम उसी पैसों की बात कर रहे हैं जो तुमने मुजीना गैंग से चुराए थे? एंड इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुकियो और बेंगा की बातें बताई जाती है। बेंगा कहता है तुम टेंशन ना लो एंड वो ये बातचीत कर रहे होते हैं कि वो कैसे सुकियो को इस जगह से बाहर निकालेगा जल्द से जल्द। बोरुटो मिस्की जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वार्डन बेंगा मिलता है। बेंगा कहता है कि बोलो तुम में और कोकुरी में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोरुटो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस मेरा छोटा मोटा दोस्त है। अब बेंगा को तो ये मालूम लगाना ही था कि कोकुरी और बोरुटो में क्या चल रहा है, इसलिए वो कमाडा को यहाँ पर लाता है, उसे बहुत सारे बर्गर खिलाता है। वो बर्गर उसी के पैसे से ही होते हैं, मतलब जिस जो पैसे वो बेट में जीतता है ना उसी पैसे के वो बर्गर होते हैं। और वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने बोरुटो और कोकुरी के बारे में हमें मुझे नहीं बताया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा, ऐसे वो धमकी देता है। एंड वो ये भी कहता है जो तुम्हारी बहन है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उसे भी वो छोड़ेगा नहीं। बोरुटो कुकुरी को एक लाइब्रेरी में ले जाने वाला होता है, तभी पीछे से कमाटा उसको देखता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जाने के पास वो एक बुक शेल्फ के पास जाता है, जहाँ पर वो एक बुक शेल्फ में थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से सुकियो आता है। सुकियो को आता देख कोकुरी डर जाता है, वो कहता है तुम सोलिटरी में थे तुम यहाँ पर कैसे आ गए? देन सुकियो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। देन हम देखते हैं कि अगले सीन में बोरुटो आता है और बोरुटो कहता है कि कोकुरी टेंशन ना लो मैं इससे लड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि कोकुरी बाकी सबको आवाज़ देने लगता है कि हमें बचाओ यहाँ पर खतरा है, बट कोई नहीं आता। आखिर में बोरुटो को भी सुकियो पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से बता दो कोकुरी तुमने सारा पैसा कहाँ पर रखा है, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि आखिर में कोकुरी कहता है कि मैंने वो सारे जितने पैसे थे वो सब डोनेट कर दिए। फिर शारदा रिलीज करती है एंड फिर कोकुरी कहता है सुकियो कहाँ पर हो तुम? फिर हम देखते हैं कि शारदा कहती है कि हमने तुम पर एक गेंजुत्सु किया था माफ़ करना। कि जब कोकुरी जा रहा था तो जब उसने बुक शेल्फ में देखा और वो जब बुक लगाने लगा तो उस साइड में शारदा थी जिसने अपने शारिंगन एक्टिवेट करके कोकुरी को गेंजुत्सु में फंसा दिया, इसी तरह वो गेंजुत्सु में फंस गया था। देन बोरुटो कहता है कमॉन कोकुरी हम लीफ विलेज की शिनोबी है तुम हम पर भरोसा रख सकते हो। इनकी सारी बातें कमाटा सुन रहा होता है, वो कहता है ओ तो ये लीफ विलेज की शिनोबी है, अब मुझे सारी बातें जल्दी से बेंगा को बतानी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं जिसमें ये पता चल जाता है कि किसी हेल्थ केयर फाउंडेशन को किसी ने बहुत बड़ा डोनेशन किया है एंड वो ऑफकोर्स कोकुरी ने किया होता है। कोकुरी बताता है कि उसकी लाइफ कैसी थी, वो पहले एक अकाउंटेंट था बैंक में काम करता था बट उसके पास कई दिनों से चोरी किए हुए पैसे आने लगे, उसको समझने लगा कि वो पैसे चोरी किए हैं इसीलिए उसने एक पेज देखा जिस पर मेडिकल फाउंडेशन लिखा था जो बच्चों को हेल्प करती है और उसी को उसने वो चोरी के सारे पैसे डोनेट कर दिए। और एक दिन जब चोरों को मालूम पड़ा तो वो उसके पीछे लग गए एंड वो बहुत खतरनाक चोर थे, वो मुजीना गैंग के मेंबर्स थे। उनसे बचने के लिए कोकुरी ने जो ऊपर जो झरना था उससे नीचे ज़मीन में छलांग लगा दी, बट बाय द वे वो बच गया था। उसके बाद वो एक विलेज में आया और उसको एक लड़की और एक बड़ा आदमी फाइट करते हुए नज़र आए, तो उसने उस आदमी को हरा कर वो पर्स उस लड़की के हाथ में दे दिया। उसको लगा उसने बहुत अच्छा काम किया है बट वो बाद में जेल में था क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था पंच मारा था उसका पर्स वो लड़की चोरी कर रही थी। देखो क्या हो गया बेचारे के साथ।
बोरुटू कहता है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे कोकुरी। देन कोकुरी वो न्यूज़पेपर फाड़ देता है और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। देन एट लास्ट वो लड़का वापस आता है और कहता है कोकुरी कितना बड़ा इडियट है। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो देखता है किसी ने एक हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा डोनेशन किया है, जिस हॉस्पिटल में इसकी बहन एडमिट थी। अब ये सब देखकर वो इमोशनल हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि बोरुटू ने उसकी कितनी सारी हेल्प की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब कोकुरी को लीफ विलेज में लाना होता है। एंड मुजू को कॉन्टैक्ट करने के बाद वो कोकुरी को एंड बोरुटू की टीम को वापस लीफ विलेज में लाएंगे। नेक्स्ट सीन में बेंगा कमांडर से पूछता है तुम्हें बोरुटू एंड कोकुरी के बारे में कुछ पता होगा। देन वो कहता है नहीं, मुझे उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं, वो कुछ मुझे कुछ पता नहीं। तो बेंगा उसके सिर पर लकड़ी मारता है, कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे बहुत मारता है। एंड देन फिर से वो कहता है कि बोरुटू और कोकुरी में कोई सीक्रेट्स नहीं है। देन एक कार्ड आता है और कहता है कि आपको लॉर्ड मुझे नहीं बुलाया है। एंड इस बेचारे को वो कालकोटरी में डाल देते हैं और वो रोता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने बेंगा को हरा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड मुझे कहता है कि हमें कोकुरी को लीफ विलेज ले जाना है, ये मेरा ऑर्डर है, बट बेंगा ये नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि वो लॉर्ड मुझे ये भी कहते हैं कि बेंगा तुम प्रिजनर्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, ये तुम्हारा आखिरी दिन है इस कैसल का, तुम यहाँ से निकल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड मुझे को तकलीफ होती है और वो नीचे गिरते हैं। वो अपनी गोलियों को लेने जाते हैं पर बेंगा उसे उस गोलियों को नहीं लेने देता। देन लॉर्ड मुझे को एक बेड पर लेटा कर ले जाया जाता है। शारदा उन्हें देखती है, पूछती है क्या हुआ, बट गार्ड उन्हें कुछ नहीं बताते। सुगियो बेंगा से बात कर रहा होता है तो बेंगा कहता है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। फिर ऐसा कहकर बेंगा वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और डिनर का टाइम होता है, बट सब प्रिजनर्स लॉक होते हैं। बेंगा आता है और कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, और वो कोकुरी से कहता है कि तुम्हें हम दूसरी जगह ले जाएंगे। कोकुरी को अच्छा लगता है, उसे लगता है इस जगह से उसको छुटकारा मिलेगा, बट उसे होजुकी कैसल नंबर 2 में डालना होता है। वो आगे बढ़ता है बट गार्ड उसे पीछे ढकेल देता है। बोरुटू कहता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। कोकुरी कहता है मुझे वो मार डालेगा। बोरुटू कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा और यहाँ से निकाल के रहूँगा। अगर आप बोर नहीं हुए और इतने लास्ट तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना, जल्दी ही वीडियो आएगी। एंड वीडियो लाइक तो कर ही होगी आपने, एंड एक प्यारे से कमेंट करना कि अगले वीडियो में आपको क्या लगता है कि क्या होगा। एंड गुड बाय, टेक केयर, बस इतना ही कहना था।